मित्रों जय माता दी। मित्रों आज 3 जनवरी शुक्रवार का दिन है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? मित्रों यह शुक्रवार नववर्ष 2020 का प्रथम शुक्रवार है। ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से यह शुक्रवार मिथुन राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातक आज कौन से विशेष क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, स्कृति में वृद्धि हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए क्या करें क्या ना करें आपको बताएंगे। आपके व्यापार, आपके करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों आपको बताएंगे आपके व्यापार में चल रही समस्याओं से कैसे छुटकारा मिल सकता है, आपके और आपके परिवार में पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगियों को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपके लिए लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है। मित्रों आपके ग्रह गोचर, आपके जीवन में, आपके व्यापार, आपके करियर तथा आपके लव लाइफ में आज कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक बदलाव करने वाले हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका किस्मत भरपूर सहयोग रहने वाला है। आपका साहस और बुद्धि चरम शिखर पर रहेंगे। सामाजिक लोकप्रियता में आपकी वृद्धि होगी। दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारी आपके कामों को सहारना करेंगे। शत्रु आपके सामने आज खड़े और टिक नहीं सकेंगे। घर में कोई धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। मित्रों आज सभी शुभ कार्यों की शुरुआत करने के लिए दिन काफी शुभ है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से शुक्रवार के दिन किया गया कार्य हमेशा अच्छे परिणामों की प्राप्ति खासकर मिथुन राशि वालों को देता है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातक आज किसी भी शुभ कार्यों को कर सकते हैं, जैसे नया घर, नया वाहन, नई प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री आप कर सकते हो। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज घर परिवार में सद्भाव स्थापित होगा। आज ज्यादा से ज्यादा समय आप घर वालों के साथ व्यतीत करने वाले हो। वाहन या घर खरीदने के लिए समय सबसे उत्तम है। प्रेम संबंधों में आपकी मधुरता बनी रहेगी, परंतु अगर आप प्रेम संदेह में रखोगे, प्रेम पर संदेह करोगे, तो एक दूसरे के बीच भावनाओं की कद्र नहीं करके एक दूसरे के रिश्तों में आपके विश्वास न होने के कारण टूट सकते हैं। इसलिए आप अपने रिश्तों में संदेह ना करें, एक दूसरे पर भरोसा करें तथा एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। जितनी हो सके आप गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें और संबंधों में संतुलन बनाए रखें। आज मिथुन राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखें। आपके किए हुए अच्छे कार्यों का श्रेय आपको प्राप्त होगा। आपको बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि के जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए आज का समय काफी अनुकूल है। नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। कोई भी लंबी बीमारी जिनसे कि आप काफी दिनों से परेशान हैं, लंबी बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को आज छुटकारा मिल सकता है। आप सही समय पर उचित इलाज, उचित चिकित्सक के पास अवश्य जाएं। आपको इनसे छुटकारा जरूर मिलेगा। आप अपने कामों को नियमित रूप से निरंतर बनाए रखें तथा कुछ न कुछ अलग और विशेष करने का प्रयास आप जरूर करें। शिक्षार्थियों के लिए समय काफी बेहतर है। यदि किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो सफलताएं अवश्य ही मिलेंगी। जीवन साथी के साथ सुखद यात्रा का योग बना हुआ है। साथ ही यदि आप बहुत समय से लंबे समय से आप संतान सुख से वंचित हैं तो आपको इस समय संतान की प्राप्ति हो सकती है। आप प्रयास अवश्य करें। धन के मामलों में समय आपका सामान्य से बेहतर दिशा की ओर बढ़ रहा है। आप नए कार्यों का प्रारंभ करोगे, यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें, नहीं तो आपको बताना चाहेंगे कि आपके धन तथा कीमती सामानों की गायब होने की सूचना आपको मिल सकती है। आपके ग्रह गोचर आपको संकेत दे रहे हैं कि इस समय आप अपने कार्यों से मतलब रखें, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। यदि खासतौर पर यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान दूसरों के मामलों में टांग न अड़ावें। जितना हो सके अपने व्यक्तित्व के बारे में अपने पास ही आप अपने सलाहों को रखने का प्रयास करें।
मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि न्यायालय संबंधित, कोर्ट संबंधित मामले, आपके जो भी अगर संपत्ति से मामले जुड़े हुए हैं तो उनसे आपको आज राहत मिल सकती है। आप अपना कार्य करते हुए आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मौद्रिक लाभ का संकेत है। आप आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी स्थापित कर सकते हैं। प्रॉपर्टी या वाहन के निवेश में भी आप काफ़ी ज़्यादा कमाई कर सकोगे। प्रतिद्वंद्व गतिविधियाँ बढ़ेंगी किंतु वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। नौकरी पेशा जातकों को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। अनुपादक गतिविधियों पर समय व्यतीत करने से आपको बचने होंगे, अन्यथा कुछ अन्य काम आपके आधे अधूरे भी रह सकेंगे। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं किसी कार्य क्षेत्र से जुड़ी हैं उन्हें आज अपने कामों के लिए, अपने कार्यों के लिए काफी अच्छा समय व्यतीत होगा। जो महिलाएं परिवार के सदस्यों से हटकर कुछ अलग करना चाहती हैं या फिर आप अपने नए व्यवसाय को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए दिन काफी अनुकूल रहने वाला है। आप अपने कामों में बेहतर तरक्कियां पा सकोगे। सभी कामों को बिल्कुल अलग नजरिए से करोगे जिसमें कि आपको सफलताएं जरूर मिल सकेंगी। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। आप परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने किसी टूर पर भी जा सकते हैं। आज का दिन करियर और पैसे के दृष्टि से काफ़ी उत्कृष्ट रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति मिलेगी। आप नई योजनाओं और उपक्रमों को लागू कर सकते हैं। आपको अपने अधीनस्थों से सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार संभव होगा और आपने पहले कभी अगर कर्ज ले रखा है तो उससे आज आपको छुटकारा, राहत मिल सकेगी। आप अपना पुराना भुगतान चुका सकोगे। प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए समय काफ़ी शुभ है। आप सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे, आपका दायरा बढ़ेगा। परिवार में किसी बुजुर्ग का बिगड़ता स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है। आपकी नौकरी के हालात में सुधार संभव है किंतु स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं। कार्यस्थल पर अधीनस्थ के विरोध हो सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके जो भी प्रतिद्वंद्व हैं, जो भी कंपटीटर या फिर जो भी शत्रु हैं, वे आपके कामों में बाधा डालने या फिर रोड़ा डालने का कार्य कर सकते हैं। सावधान रहें। आपको अपने भाई बहनों से सहायता मिलेगी। पुराने मित्रों से मुलाकात होती रहेगी। छोटी यात्राओं से आपको अच्छा खासा लाभ भी मिल सकेगा। आज का दिन आप में से अधिकतरों के लिए काफ़ी अच्छे परिणामों को प्राप्त होगा। कुछ मामूली झटकों के बावजूद आप अच्छी प्रगति प्राप्त कर सकोगे। आपको व्यवसाय में उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। नौकरी की तलाश में हैं तो आपको सफलताएँ मिलेंगी। यदि एक बदलाव की तलाश है तो आपको थोड़े और प्रयास के साथ ही बेहतर कामों को करने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा। रिश्तों में मेल मिलाप भी संभव है। दोस्तों के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाने की योजना भी आप बना सकते हो। छात्रों के लिए आज का दिन काफी शुभ है। छात्र प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे और अपने इच्छित संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। दाखिला की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से रहने वाला है। आप में से कुछ कमीशन, वाहनों से संबंधित व्यवसाय और कृषि से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर बहुत अधिक तनाव और दबाव से मन बेचैन हो सकता है, इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको अपने सहयोगियों का दामन सामना होगा। सहयोगियों के विश्वास प्राप्त करने में आप काफी सफल रहेंगे और यह आने वाले दिनों में सुप्रगति प्राप्त करवा सकते हैं। मानसिक तनाव आपका कम होता दिख रहा है। आपकी योजनाएं सफल होंगी। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। पारिवारिक मामलों में सावधानी से काम लें। संयमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए ठीक रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए समय काफी अनुकूल है। आप में से कुछ अपनी या संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित रह सकते हैं। व्यवसायिक संदर्भ में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक संदर्भ में आपकी जो भी विपदा थी उन सबों से छुटकारा मिल सकेगा। विदेशी व्यापार संबंधित सौदों को अंतिम रूप देने के लिए यात्राओं की योजना फिर से शुरू कर सकते हैं। आपको अपने विदेशी संपर्कों से लाभ प्राप्त होने के प्रबल संकेत दिख रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने खुशमिजाज,
अच्छे तरीके से कार्य को करोगे जिनसे कि लोग आपसे काफ़ी प्रभावित रहेंगे। आज आप हर चुनौतियों का सामना डट कर करने वाले हैं, अतः चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर आपका ध्यान केंद्रित करने का दिन काफ़ी उत्तम रहेगा। सकारात्मक बातचीत स्थापित करने के लिए आप कदम उठा सकते हैं। निवेश करने के लिए आवेगी निर्णय न लें। यदि पैतृक संबंधी के मामले में कोई मामला आपका रुका हुआ है तो उसमें सौहार्दपूर्वक ढंग से हल करने का प्रयास करें। यह आपके संतुष्टि के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। मित्रों, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां।